रहीम। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज है 4.1। वन ओवर एक्स प्लस वन, वन ओवर एक्स प्लस वन प्लस टू ओवर एक्स प्लस टू इक्वल 7 ओवर एक्स प्लस 5। और कंडीशन इस पे वही लगी हुई है कि एक्स नॉट इक्वल्स टू माइनस 1, माइनस 2 और माइनस 5। रीज़न इसकी ये है, जैसे कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा, अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये वाला डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए क्योंकि डिवीजन विद 0 इज़ नॉट अलाउड। इसी तरीके से -2 लिखेंगे तो ये वाला डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, -5 से ये वाला डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। सो दीज थ्री नंबर्स आर नॉट इन द डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम इसका एलसीएम लेते हैं, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 7 ओवर एक्स प्लस 5। ब्रैकेट्स ओपन करें, एक्स प्लस टू प्लस टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस टू इक्वल 7 ओवर एक्स प्लस 5। एक्स प्लस टू एक्स 3x प्लस टू प्लस वन 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस टू इक्वल 7 ओवर एक्स प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 इंटू 3x प्लस 3 इक्वल्स टू, सॉरी ये आ जाएगा एक्स प्लस 5, ये मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 3 के साथ, और 7 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 के साथ। मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 15x प्लस 15 इक्वल्स टू 7x स्क्वेयर प्लस 21x, और 7 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 14। सारी की सारी टर्म्स को इक्वल के राइट साइड पे ले जाएं, लेफ्ट साइड पे 0 इक्वल्स टू 7x स्क्वेयर प्लस 21x प्लस 14 माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 15 माइनस 15x माइनस 15। 0 इक्वल्स टू 7x स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर 4x स्क्वेयर 21x माइनस 3 माइनस 15 प्लस 3x प्लस 14 और माइनस 15 माइनस 1। तो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ये बनी, 4x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमने इसके बनाने हैं फैक्टर। अब देखें, अगर हम एक्सट्रीम टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास माइनस 4x स्क्वेयर आंसर आता है, और मिडिल टर्म जो है ये प्लस 3x के बराबर है। तो हमें दो नंबर ऐसे चाहिए कि
कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो -4x² आए, और अगर ऐड कर लें तो +3x आए। 4x² +4x -x -1 = 0। अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x² आंसर आएगा, और अगर आप इनको ऐड करें तो +3x आंसर आएगा। इन दोनों में से 4x कॉमन ले लिया आपने, x प्लस वन माइनस वन कॉमन x प्लस वन इक्वल्स टू 0। 4x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, इन दो का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो आइदर 4x माइनस वन 0 के इक्वल, और x प्लस वन ये 0 के इक्वल, x की वैल्यू 1/4 और x की वैल्यू -1। सॉल्यूशन सेट -1 और 1/4।